से। मैं फिल्म एक बनाई थी लेकिन हाल ही में, लेकिन बिल्कुल नहीं चली वो, तो अब मेरा बहुत ही दिल टूट गया है। अगर आप बोलेंगे दूसरा फिल्म बना, मैं नहीं बनाऊंगी। अगर आप लोग पैसा डालेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगी। आई डोंट वांट टू मेक ए फिल्म। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, बस वही हाल है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का, जिनकी पिछली डायरेक्टोरियल फिल्म टेल मी ओ खुदा बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। और अब हेमा जी कह रही है कि अगर फिल्म बनवानी है तो पैसे लगाओ। अगर आप लोग पैसा डालेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगी। दरअसल हेमा जी का दिल टूटा हुआ है क्योंकि उन्हें टेल मी ओ खुदा से काफी उम्मीदें थी, और साथ ही इस फिल्म से उनकी बेटी ईशा देओल भी कमबैक कर रही थी, लेकिन फिल्म के न चलने से ईशा का करियर तो खत्म ही हो गया। साथ ही हेमा जी को हुए फाइनेंशियल लॉसेस भी, और इसी वजह से हेमा जी नहीं लेंगी अब कोई और रिस्क। There is too much of a risk and I'm not meant for that. मेरा भाव अलग है, दूसरा इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो फिल्म में काम करने के बोलेंगे मैं जरूर करूंगी। I can act well, I can do that, but if you ask me to produce a film. वैसे यहाँ हेमा जी के अलावा एक और प्रोड्यूसर एक्टर भी मौजूद थे, जिन्होंने कुछ दिनों पहले फिल्म प्रोडक्शन से कर ली थी तौबा। हम बात कर रहे हैं सुनील शेट्टी की। और यहाँ इस डिवोशनल इवेंट में हेमा जी और सुनील शेट्टी की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी थी कि दोनों ही बॉलीवुड में फिर से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं। वी होप कि हेमा जी और सुनील शेट्टी की ये विशेस जल्द ही पूरी हो जाए।